अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूड इज़ रेडी में आज एक नई रेसिपी चिकन टिक्का लेग पीस के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही लजीज और लाजवाब ये टिक्के तैयार होते हैं। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन टिक्का लेग पीस बनाने के लिए हमें चिकन के लेग पीस, ये लेग पीस चाहिए जिन पर इस तरह से कट लगा लिया। इन सब पर ये तीन हमारे पास लेग पीस हैं। इसमें मसालों में हमें एक टीस्पून नमक चाहिए, क्वार्टर टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर है और एक टीस्पून जो है वो लाल कुटी मिर्च है। इसके अलावा एक टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर है और चार टेबलस्पून जो है वो हमारे पास किसी अच्छे ब्रांड का जो है वो टिक्का मसाला है। इसके अलावा इसमें हमें दही चाहिए जो कि 3 से 4 टेबलस्पून लेंगे, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो सिरका लेंगे। अब इन तमाम मसालों को इस लेग पीस के ऊपर डाल देंगे। इसमें हम ये 2 टेबलस्पून सिरका डालेंगे। दही डालेंगे, अब इस मसालों की बहुत अच्छी तरह से हाथों से इसकी मैरिनेशन करें। लेग पीस को बहुत अच्छी तरह से मसालों के अंदर अच्छी तरह इस पर मसाले लगा दिए। अब इसको हम कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। लेग पीस को मैरिनेट किए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, अब इनको पकाना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए में देखिए के अंदर 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है। इस ऑयल के अंदर अब हम ये लेग पीस रख देंगे। इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी ताकि अच्छी तरह से गल जाए और इसको कवर करके रख दें। तकरीबन 10 मिनट तक पकने के बाद इसकी साइड अब चेंज कर देंगे ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से गल जाए। लेग पीस बिल्कुल तैयार है। तकरीबन आधे घंटे में बहुत हल्की आंच पर ये तैयार हो चुके हैं। चिकन टिक्का लेग पीस बिल्कुल तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।